बालाघाट से एक बड़ी खबर आ रही है। बाल बाल बची हैं विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 1 आरक्षक घायल। ट्रक ने टक्कर मारी है और ये टक्कर इतनी भीषण थी कि इसमें कुछ लोग की मौत हुई है। 1 SI, हवलदार, आरक्षक और ड्राइवर की मौत हो गई है। आयोजन में हिस्सा लेकर लौट रही थी हिना कांवरे। गृहग्राम किरनापुर लौटते वक्त हुआ है ये हादसा। तो हिना कांवरे बाल बाल बची हैं इस घटना में, और इस पूरी घटना पर जानकारी के लिए हितेन चौहान हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। हितेन, पूरी घटना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, कैसे हुआ ये हादसा? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि बालाघाट मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर बालाघाट गोंदिया रोड पे सालेटी का ग्राम है। यहाँ पे ये दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 4 पुलिसकर्मी हैं उनकी मौत हो चुकी है, जबकि 1 अन्य आरक्षक जो है वो घायल है। घटना के संबंध में बताया ये जा रहा है कि जो ट्रक है, ट्रक ने जो है जो फॉलो गार्ड जो चलता है उसको टक्कर मारी है। उसके बाद में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसा इतना तेज था कि फॉलो गार्ड की जो गाड़ी थी वो चकनाचूर हो चुकी है इस हादसे में। जी, हिना कांवरे जी भी उसमें मौजूद थी, तो क्या उन्हें भी चोटें आई हैं? क्या कुछ उसके बारे में जानते हैं? ये जो ट्रक ने जो टक्कर मारी है, ये फॉलो गार्ड की गाड़ी को टक्कर मारी है, और हिना कांवरे जो है विधानसभा की जो उपाध्यक्ष है, इनकी गाड़ी पीछे थी, तो इस वजह से वो बाल बाल बच चुकी है। तो जो जितने भी मृतक है उनको बालाघाट जिला अस्पताल में यहाँ पे लाया गया है, और 100 का PM करने की जो है कार्रवाई जो है पुलिस विभाग के द्वारा कराई जा रही है। जी हितेन, ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी है, तो ट्रक ड्राइवर के बारे में कोई जानकारी कि फरार हो गया है, क्या कुछ जानकारी इस बारे में? जी देखिए, इस संबंध में जो जिस ट्रक ने टक्कर मारी है उसके ड्राइवर को जो है जानकारी ये भी मिल रही है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, और जो ट्रक था उसे थाने में लाके खड़ा कर दिया गया। इस तरह की जानकारी जो है पुलिस विभाग के अधिकारी के द्वारा दी जा रही है। अब इसके बाद, इस घटना के बाद बाकी क्या एक्शन लिया जाएगा इस चीज पर? ये देखिए, इस पूरे घटनाक्रम की जो है पुलिस विभाग के द्वारा जो है जांच कराई जाएंगी, और इसमें किसकी लापरवाही थी वो पूरे मामले की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस पूरी घटना का कौन असल जिम्मेदार है। जी हितेन, इस पूरी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से ये खबर हम बताएंगे कि अभी अभी हिना कांवरे जो है उपाध्यक्ष बनी है विधानसभा की, और हादसे में ये 4 लोगों की मौत हुई है, हिना कांवरे बच गई हैं, और इसमें जिनकी मौत हुई उनमें से 1 आरक्षक जो है वो घायल है। ट्रक ने भीषण टक्कर मारी है, 1 SI, हवलदार, आरक्षक और ड्राइवर की इस घटना में मौत हो गई है। और आयोजन में हिस्सा लेकर लौट रहे थे हिना कांवरे, गृहग्राम किरनापुर लौटते वक्त हुआ है ये हादसा। फिलहाल तो ड्राइवर को, जो ट्रक ड्राइवर था जिसने टक्कर मारी है, उसको तो पुलिस ने पकड़ ली, लेकिन ये एक बड़ी दुर्घटना है जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, और एक ट्रक ने इस कार को भीषण टक्कर मारी है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसमें 1 SI, हवलदार, आरक्षक और ड्राइवर मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया, और आयोजन में ये सभी हिस्सा लेने जा रहे थे। हिना कांवरे भी उसमें शामिल थी। गृहग्राम किरनापुर लौटते वक्त ये हादसा हुआ है। और बालाघाट से ये बड़ी खबर यही है कि बाल बाल बच गई हैं विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे। मध्य प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हैं हिना कांवरे, उनके साथ में 4 और लोग मौजूद थे जिनकी मौके पर ही मौत हो गई, और इस में टक्कर मारी है ट्रक ने जोरदार कार में, जिससे ये भीषण हादसा हुआ है जिसमें SI, हवलदार, आरक्षक और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, और जिस ट्रक ने टक्कर मारी है उसके ड्राइवर को फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया है। और गृहग्राम किरनापुर लौटते वक्त हुआ है ये भीषण हादसा जिसमें 4 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे जो बाल बाल बची हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरें कि लोग घटा हैं। बालाघाट से 16 किलोमीटर दूर ये हादसा हुआ है, और इस हादसे में और इस घटना में बाल बाल बची है मध्य प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे। लेकिन दुखद बात यह है कि उनके साथ जो 4 लोग थे उनकी इस हादसे में मौत हो गई, जिसमें 1 SI, हवलदार, आरक्षक और ड्राइवर मौजूद थे, उनकी मौत हो गई है। और अपने गृहग्राम किरनापुर से लौट रही थी हिना कांवरे।
ये बड़ी खबर है बालाघाट से। संवाददाता ने बताया कि एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी है, जिसमें विधानसभा उपाध्यक्ष हीना कांवरे बाल बाल बची हैं, लेकिन उनके साथी जो साथ में थे उनके साथ वो इस दुर्घटना का शिकार हुए हैं, जिसमें एक एसआई, हवलदार, आरक्षक और ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। और हमारे संवाददाता ने ये भी बताया कि पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को तो पकड़ लिया है और आगे कार्रवाई करेंगे इस घटना पर। और बहुत